मध्य प्रदेश के दिल में बसा बुरहानपुर जिला, जहां इतिहास और संस्कृति की गहराई में छुपी है एक ऐसी परंपरा जो न सिर्फ समय की कसौटी पर खरी उतरी है बल्कि आज भी जीवंत है। 40 वर्षों से बुरहानपुर के लोग हर साल गुड़ी पड़वा पर एक अनोखे मेले का आयोजन करते हैं। एक मेला जहां साधारण मनुष्य असाधारण कार्य करता है। डाकवाड़ी क्षेत्र में हर साल आयोजित इस मेले में एक व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों से भरी हुई 12 गाड़ियों को खींचता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 12 गाड़ी उत्सव मनाया जाता है। 40 वर्षों से ये परंपरा चले आ रही है और बाबा नवनाथ बाबा की कृपा से ये 12 गाड़ी खींची जाती है। एक भगत 12 गाड़ी खींचता है जिसका हजारों पब्लिक बैठे रहती है। कौन से क्षेत्र में आयोजन हो रहा है? ये वार्ड नंबर 36 डाकवाड़ी में आयोजन हो रहा है। भरत मराठे पार्षद डाकवाड़ी। बुरहानपुर का 12 गाड़ी मेला एक ऐसा उत्सव है जो न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि आसपास के क्षेत्र से भी लोगों को आकर्षित करता है। ये मेला हर साल गुड़ी पड़वा यानी हिंदू नव वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मेले की मुख्य आकर्षण होती है 12 लोहे की गाड़ियाँ, जिन्हें एक व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों के सामने खींचता है। ये पूरे हमारे वार्ड में डाकवाड़ी वार्ड में 12 गाड़ी कम से कम 40 साल से खींची जा रही है। इसके पूरे डाकवाड़ी वार्ड पूरे मतलब समिति है हमारी 12 गाड़ी की, उसके आयोजक पूरे मिलकर तैयारी करते हैं। कितने दिन तैयारी होती है? तैयारी चलती है 9 दिन की तैयारी चलती है। रात में डेली पानी डालने जाना पड़ता है 2:30 बजे। और कितने लोग खींचते हैं 12 गाड़ी को? एक ही खींचता भगत जी खाली। कितने लोग बैठे रहते हैं? 12 गाड़ी में बैठते 400-500 लोग बैठते। सैकड़ों लोग बैठे रहते? सैकड़ों लोग बैठते। पूरे लोग खींचते कहाँ से कहाँ तक? कितने मीटर खींचाएंगे? हम लोग कम से कम 500 मीटर खींच जाएगी। इस मेले का आयोजन 12 गाड़ी मेला समिति द्वारा किया जाता है और इसमें सम्मिलित होने वाले भगत यानी वो व्यक्ति जो गाड़ियों को खींचते हैं वे 1.25 महीने तक भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। 40-50 साल से खींच जा रही है। नया साल मनाया जाता है, नए साल से ओपनिंग होती है। ये शहर की सबसे पहले 12 गाड़ी ये रहती है की, इसके बाद में पूरे शहर में 12 गाड़ी का आयोजन होता रहता है। इसका पालन 1.25 महीना सुबह 12 बजे रात को नदी जाना पड़ता है, स्नान करके सब जीवित होता है, पानी चढ़ाते आना पड़ता है। और क्या हमें जो पालन पालन करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। कितने लोग बैठे रहते हैं इसमें? 1000 से 1500 लोग बैठे रहते हैं। इसको एक भगत जी गुलाब मोरे। मंगलवार को 500 मीटर तक सैकड़ों लोगों से भरी हुई गाड़ी को भगत अंकित पानीकर ने बगली रोशन शिंदे और सत्यम मोरे के साथ खींची। मेले में भारी संख्या में लोग पहुंचे, सभी ने ये नजारा अपने मोबाइल के कैमरे में कैद भी किया। 1000 से 1200 लोग बैठे और अकेला भगत जी खींचते व्यक्ति एक व्यक्ति है। सब नियम पाले जाते हैं इसके अंदर कि भाई जैसे उपवास वगैरह ये वो एक महीने की पूरी परंपरा चलती है। किस क्षेत्र में खींचा रही है? ये डाकवाड़ी वार्ड में, वार्ड नंबर 36 मुरली महाजन। 12 गाड़ियों में यह गाड़ियां बैलों की गाड़ी होती है। यह लोहे की बनी होती है, इसमें चक्के लगे होते हैं। इसके साथ ही इसे रस्सी से बांधा जाता है, जिसके बाद पूजा अर्चना होती है और भगत अकोड़ा लगते ही इस गाड़ी को खींचने लग जाता है। भगत ने 4 मिनट में 500 मीटर तक 12 गाड़ियों को खींच दिया है। लोकल 18 बुरहानपुर से मोहन ढाकले की रिपोर्ट।